राम राम भाई सभी को। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी मौसी के यहाँ, जो कि पंजाब में रहती हैं, और मेरे साथ में मेरे मम्मी पापा दोनों लोग जा रहे हैं। तो हमारे अंकल निकाल रहे हैं अपनी फोर व्हीलर और उससे हम लोगों को वहाँ पर छोड़ने जाएंगे। हमारी बुआ हमारे हेल्प कराने आई है सामान रखवाने। ये खड़ी है रेड कलर की आंटी। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग, ये हमारा बुल्ली है जो कि कह रहा है कि मत जाओ। बाय बाय आंटी, जल्दी आएंगे जल्दी आएंगे। गली से बाहर जा रहे हैं हम लोग। दिस इज द रूरल प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, तो ये अब ट्रेन आ चुकी है हमारी, जिसमें हम लोग जाने वाले हैं। हेलो गाइस, तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली जंक्शन। हेलो गाइस, तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं अंबाला कैंट, और आपको एक चीज़ दिखाता हूं। ये है भाप वाला इंजन, जो कि बहुत साल पहले चलता था, पर अब ये खड़ा हुआ है इस जगह शोपीस के लिए। ये वही भाप वाला इंजन है जो गदर में था। दिस इज द स्टीम इंजन। और आपको देखो यहाँ पे कुछ कॉशन लिखा होगा, यहाँ पर लिखा है कि भाई भाप इंजन मरम्मत कार्य प्रगति पर है, कृपया इंजन से के नज़दीक ना आए। सो हम इसके नज़दीक नहीं जाएंगे, दूर से ही आपको दिखाएंगे। सो आप देख सकते हैं भाई, ये है स्टीम इंजन, इसको बोले हिंदी में भाप का इंजन, जिसका खोज पता नहीं किसने की थी, पर की थी। फाइनली मैं बरनाला पहुंच चुका हूं, जहां पर मेरी मौसी रहती है। अब थोड़ी देर मेरे मौसा जी मुझे लेने आ जाएंगे। दूर तक आपको एक ही चीज दिखेगी, सिर्फ हरियाली ही हरियाली, और हर एक बंदे का अपना अपना देखो समर सिब्बल है। ओ भाई साहब, वो हमारी मौसी खड़ी हुई है, हमारा वेट कर रही है। आटो जा आटो जा। आ कर हुनी बनवाया है नया नवा वाला कर है। अच्छा तभी हो। हेलो गाइस, तो ये रात का व्यूज, ये रात को मैंने वही घूमा है थोड़ा सा मास्टर के साथ।